हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल कारंडरस्कोप स्कूल में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मारुति सुजुकी ईको का ऑनर पर्सपेक्टिव। और हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर का नाम है भ्रमित सिंह शाह। तो स्वागत करते हैं भाई का अपने चैनल कारंडरस्कोप स्कूल में। तो भाई जो है हमारे चैनल पर दूसरी बार आ रहे हैं, इससे पहले ये एक्टिवा 125 को लेके आए थे। तो भाई स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जी, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया भाई, बताओ दोबारा आके चैनल पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमें दोबारा बुलाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई रिव्यू करवाने वाले हो अपनी ईको का, तो ये बताओ स्पेशल क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर? स्पेशल मजा बहुत है गाड़ी चलाने में। अच्छा, मजा बहुत है गाड़ी चलाने में। एक तो सब कुछ ऊंचा दिखता है, रोड एकदम प्रॉपर दिखती है, सागर की सीट ऊपर है, रोड क्लियर दिखती है। तो दोस्तों, भाई ने ना मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं गाड़ी के अंदर, वो सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी की चाबी से भाई ने लगवाई हुई है इसके अंदर आफ्टर मार्केट सेंट्रल लॉकिंग। तो भाई ये सेंट्रल लॉकिंग जो है कितने की पड़ी है? 3500 की। अच्छा, 3500 की पड़ी है। और जब गाड़ी ली थी उसी टाइम पे लगवा ली थी या बाद में लगवाई है? कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद। अच्छा, 4-5 दिन बाद। वैसे इसके अंदर जो है सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड आती नहीं है दोस्तों। उसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अलॉय व्हील वाली ईको जो है ना, आपने बहुत कम देखी होंगी। तो भाई अलॉय व्हील में ईको क्या कॉम्बिनेशन है? ऐसी गाड़ी जो नोएडा में बहुत ही मुश्किल दिखी है मुझे अलॉय में। अच्छा। तो कुछ यूनिक करना था, हमने यूनिक किया। नहीं, पहले तो काफ़ी सारे लोगों को शौक था ईको में मॉडिफिकेशन करवाने का, पर अब टाइम टू टाइम कम होता जा रहा। तो ये भाई हमें मिले जिन्होंने काफ़ी तगड़ा मॉडिफिकेशन करवा रखा है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा अंदर भी कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो कि भाई हमें आगे बताएंगे। तो भाई अब ये बताओ मॉडल कौन सा गाड़ी का? 2018 का है। और नई ली थी या सेकेंड हैंड ली थी? एकदम नई ली है। अच्छा, एकदम नई ली है। पेट्रोल है सीएनजी है? पेट्रोल। तो भाई पेट्रोल पे माइलेज कितना दे रही है? पेट्रोल पे आप ईको को चला रहे हो तो माइलेज तो पता नहीं, हम जितनी चलाओगे उतनी देती है, लेकिन मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। माइलेज की कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये तुम भगाओगे तो माइलेज तो देगी नहीं, तो नॉर्मल चलाओ कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ अंदाजा माइलेज का, जैसे कि आप टंकी फुल करवाते हो कितने किलोमीटर चल जाती है एक टंकी? किलोमीटर तो इतना नहीं देखते, फुल हो जाती है। कितने में फुल हुई होगी भाई टंकी इसकी? लगभग 4000 में फुल हो जाएगी। अच्छा, 4000 रुपए में इसकी टंकी फुल हो जाती है। और फिलहाल तो पेट्रोल काफी महंगा होगा इस हिसाब से, 4000 रुपए, वरना तो कम में होता तो मजा आ जाता। अच्छा, तो पेट्रोल महंगे होने की वजह से भाई को भी फर्क पड़ता। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं गाड़ी की तरफ आते हुए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाई ने इसके अंदर हॉर्न लगवाए हुए हैं। भाई हॉर्न कौन से? ये है डबल हॉर्न। अच्छा, डबल हॉर्न, नॉर्मल हॉर्न है, ये भी बैन है। अब तो हर चीज बैन है, पुलिस वाले तो कुछ भी काट सकते हैं। तो भाई आजकल अलॉय व्हील का भी होता है, तो होना तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई और बताओ क्या क्या करवा रखा गाड़ी के अंदर? काम बहुत सारा करा, अब आपको हम दिखाएंगे काम क्या क्या करवाया। अच्छा, दिखाएंगे। तो चलिए भाई दिखाइए काम क्या क्या करवा रखा अपने गाड़ी में। मेन तो इसके अलॉय व्हील्स है। अच्छा, तो अलॉय व्हील कितने के पड़े थे भाई ये जो दिखा रहे हो आप? ये अलॉय व्हील्स 15000 रुपए के चार हैं। अच्छा, 15000 के। और टायर जो है इसमें, ये टायर कंपनी फिटेड वाले हैं? हां, कंपनी फिटेड वाले टायर। अच्छा, तो खाली अलॉय व्हील लगवाए अपने विदाउट टायर जो कि 15 के पड़े हैं आपको? हां जी, हां जी। अच्छा अच्छा, उसके अलावा दिखाओ भाई। उसके अलावा हमने स्क्रीन लगवा रखी है। अच्छा, भाई ने स्क्रीन लगवा रखी है गाड़ी के अंदर। और कौन सी कंपनी की है भाई? कैनवुड की है। कैनवुड की स्क्रीन लगा रखी है भाई ने। और भाई स्क्रीन कितने की पड़ गई है? ये पड़ी है मुझे लगभग 5500 रुपए की। 5500 रुपए की उस टाइम पे? हाँ जी, उस टाइम पे। इस टाइम अब तो काफी महंगी हो गई है। उस टाइम पे महंगी सस्ती थी तो लगवा ली। और इसमें जीपीएस नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, इसमें सस्ती पड़ी हुई है। अच्छा, बिना ब्लूटूथ में है, नॉर्मल है बिल्कुल। वीडियो वगैरह चलती है इसके अंदर? वीडियो सीडी डीवीडी लगा दो तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हम आपको दिखा देंगे कि आगे क्या क्या फंक्शन है इसमें। और उसके अलावा भाई मेन आपको ये है, हमने इसमें जो सीट थी वो हमने हटा दी। अच्छा, और हमने इनोवा वाली सीट लगवाई है। सबसे मेन तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हैं इनोवा वाली सीट्स। तो भाई ये जो सीट है, ये आइडिया कहाँ से आया था लगवाने का? ये मेरे पापा ने बोला था कुछ
नया करना है अच्छा। तो हमने इसमें इनोवा की सीट लगाई, पहले अर्टिका की लगाई, वो मजा नहीं आया अच्छा। वो मजा नहीं आया, सीट्स अच्छी नहीं थी अर्टिका की, फिर तो हमने चेंज करवा के इनोवा की लगवाई। भाई ने कुछ अतरंगी करके दिखाया गाड़ी के अंदर, सीट लगा के इनोवा की, तो भाई कंफर्टेबल है सीट, बिल्कुल बहुत मजेदार है। ब्रेकर पता नहीं चलते, आगे फिर पता चल जाएंगे, पीछे बिल्कुल पता नहीं चलेंगे। अच्छा, तो इतनी कंफर्टेबल सीट, बहुत कंफर्टेबल। और उसके अलावा भाई देखो, उसके अलावा हमने बेस ट्यूब लगा रखी है अच्छा JBL की। तो चलिए दोस्तों, अब डिग्गी की तरफ चलते हैं और आपको बेस ट्यूब दिखाते हैं गाड़ी की। तो ये बूफर लगा हुआ है भाई ने JBL का, जिसको भाई बेस ट्यूब बता रहे थे। बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज कम आती है बड़ी गाड़ी तो थोड़ी। हाँ, बड़ी गाड़ी के, और स्पेस भी कम है ना 7 सीटर के हिसाब से भाई, इसलिए हमने। और उसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर लगा हुआ है बैक कैमरा। तो बैक कैमरे का कोई फायदा होता है भाई गाड़ी में? फायदा है, पीछे आराम से कोई दिख रहा है, बड़ी गाड़ी है तो आराम से दिख जाता है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा भाई ने पीछे कर्टन लगा रखा है, जैसा कि आप देख पाए होंगे, नीचे एल गार्ड है सेफ्टी के लिए। अच्छा, एल गार्ड लगा रखा भाई ने। ये सीट कवर एकदम नए हैं, अच्छे बकेट कवर, सीट कवर। तो भाई ने जो है बकेट सीट कवर लगाए थे, ये कितने के पड़ गए भाई? ये लगभग 4000 रुपए के टोटल लग गए इनोवा की सीट पे लगवा के। अच्छा, 4000 रुपए के पड़ गए थे आपको इनोवा की सीट लगा के? हाँ जी हाँ जी, इनोवा की सीट के साथ ही 4000 रुपए के आपको सीट कवर पड़े टोटल सारे। अच्छा हाँ जी। तो जिसने ये सीट लगाई थी, ये सीट जो है, तो भाई ये बताओ ये कितने की पड़ी थी? ये सीट हमें पड़ी 7000 रुपए की, दो सीट। अच्छा, 7000 रुपए की दो सीट। हाँ, फिटिंग के साथ? फिटिंग के साथ। अच्छा, और लगवाई कहाँ से थी? ये लगवाई थी मैंने कश्मीरी गेट से। अच्छा, कश्मीरी गेट से लगवाई थी भाई ने। तो आप भी लगवा सकते हैं गाड़ी में, काफी बढ़िया लुक देती है, बहुत अच्छा लुक भी अच्छी है, कंफर्टेबल भी पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो चलिए फिर दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको गाड़ी को अपने तरीके से दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इको की कीज, और ये है मारुति सुजुकी इको, जो कि पेट्रोल में है, 2018 का मॉडल है। और आप कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में। और ये जो हॉर्न आपको बताए थे, एक बार इनकी साउंड सुना देते हैं हम आपको। तो ये जो हॉर्न लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पाए हो, तो साउंड जो है काफ़ी बढ़िया आ रहा है इन हॉर्न्स का। उसके अलावा लाइट जो है ये नॉर्मल है बिल्कुल, जैसे कि कंपनी से आती हैं हेलोजन बल्ब वाली। उसके अलावा एलॉय व्हील्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये वही 13 इंची के एलॉय व्हील्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लुक जो है ना, काफ़ी बढ़िया दे रहे हैं इस गाड़ी में। और कंपनी फिटेड टायर्स हैं, जो कि गाड़ी के साथ आए थे सेम साइज़ के। और अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एलॉय व्हील्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं गाड़ी के। और पीछे ये स्पॉइलर लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आफ्टर मार्केट है। तो भाई ये स्पॉइलर जो है, ये कितने का पड़ा? स्पॉइलर मुझे पड़ा 1200 रुपए का। अच्छा, ये कवर्स के साथ ही जो। अच्छा, ये साइड वाले, साइड वाले रेन वाइजर के साथ ये 1250 का पड़ा भाई को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ से हमने आपको गाड़ी दिखा दी है। तो गाड़ी जो है दोस्तों, पूरी ओरिजिनल है और काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। तो अब चलते हैं पैसेंजर सीट की तरफ और आपको दिखा देते हैं पैसेंजर सीट्स, जो कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, कुछ ऐसी दिखती हैं ये आफ्टर मार्केट इनोवा की सीट्स, जो कि इसके अंदर लगी हुई हैं, जिनमें कि आप अपनी हाइट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो दोनों सीट जो हैं दोस्तों भाई, ये आगे की होंगी इनोवा की? दोनों की आगे की सीट्स। हाँ, तो ये इनोवा की दोनों जो हैं आगे की सीट्स हैं, और पीछे जो है इसकी ये कंपनी वाली सीट जो आई थी वो लगा दी है भाई ने, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। सामान पड़ा हुआ है काफ़ी, तो इसलिए हम पीछे नहीं जा पाएंगे। तो एक बार बैठ के बता देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर और काफ़ी कंफर्टेबल है। साइड सपोर्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा आपको इन सीट्स में। और कुछ ऐसा है गाड़ी का डैशबोर्ड। तो चलिए फिर अब चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ। तो ये है गाड़ी का इंटीरियर फ्रंट से, ये ब्लैक कलर के सीट कवर्स। ये है गाड़ी का डैशबोर्ड। उसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे कैनवुड का स्टीरियो है, जिसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह नहीं है। और एक बार ये ऑन हो जाता है तो हम आपको इसकी मेन्यू दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसी मेन्यू आएगी, ये CD वाला है दोस्तों। तो यही फंक्शंस मिलेंगे आपको इसके अंदर, जो कि दिख रहे हैं फिलहाल सामने। USB है, डिस्क है, ट्यूनर है, और iPod वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, ऑक्स का ऑप्शन है। और ये इसकी सेटिंग है। एक बार साउंड और सुना देते हैं इसकी, क्योंकि ये कंपनी का है तो साउंड काफी अच्छी है इसकी।
तो जैसा कि आपने सुना कुछ ऐसी थी इसकी साउंड। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको इको के अंदर मिलता है, और बाकी यहाँ पे ये एंटीना लगा हुआ है इसके अंदर। तो एक बार हम इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं गाड़ी चलने में कैसी है, पेट्रोल पे चलती है ये गाड़ी। तो भाई टेस्ट ड्राइव शुरू करें गाड़ी की। तो चलिए फिर दोस्तों गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई है और गाड़ी का हमने फर्स्ट गियर डाल दिया। तो स्टीयरिंग की बात करें दोस्तों, नॉर्मल होने के बावजूद भी काफी लाइट है स्टीयरिंग जो है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो व्यू काफी बढ़िया आता है गाड़ी के अंदर। तो अब यहां से लेते हैं यूटर्न और आपको बताते हैं यूटर्न लेने में कितनी दिक्कत होती है गाड़ी के अंदर या नहीं होती है। नॉर्मल स्टीयरिंग है इस गाड़ी के अंदर, तो काफी इजीली जो है दोस्तों यूटर्न ले लिया। और अब कर लेते हैं इस गाड़ी का एक बार 0-60 टेस्ट। और पेट्रोल पे चली है दोस्तों गाड़ी, जो है काफी बढ़िया चल रही है। तो ये आ गई है आइडल कंडीशन में, हमने फर्स्ट गियर डाल दिया। तो 3-2-1 तो गाड़ी जो है काफी आसानी से 40 पहुंच गई है और ये ऑलमोस्ट 60 पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी ने 60 टच कर लिया काफी प्यार से। और अब आ गया स्पीड ब्रेकर, तो ब्रेकिंग देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको दोस्तों ABS नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 2018 का मॉडल है, जो नए मॉडल आए हैं इसके उसमें आपको ABS मिलेंगे। और ये जैसे कि आपने अभी देखा था जो गाड़ी उछली है इको के अंदर दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ी जो है काफी ऊंची है। और इसमें सस्पेंशन जो है दोस्तों वो थोड़ा हार्ड मिलता है जिसकी वजह से आपको झटके थोड़े ज्यादा लगेंगे, तो इसलिए गड्ढे वगैरह में थोड़ी आराम से चलानी पड़ती है इको जो है। बाकी मजा काफी आ रहा है गाड़ी को चलाने में। काफी आसानी से गाड़ी 60 पहुंच जा रही है और टोटल ये 35,000 चल चुकी है। तो आगे वीडियो में भाई से पूछ लेते हैं सर्विस वगैरह कितने की हो जाती है, वो सब आपको बताएंगे आगे। तो चलिए फिर यूटर्न लेते हैं। ये एक और स्पीड ब्रेकर और इस वाले से काफी स्मूथली निकल गई है गाड़ी। इंजन वगैरह की साउंड की बात करें दोस्तों तो काफी साइलेंट इंजन है गाड़ी का, पर सीट के नीचे है इसलिए आपको साउंड महसूस होगी थोड़ी। और गियर शिफ्टिंग काफी बढ़िया है। ऐसा पहली बार है दोस्तों कि इको चलाने में मजा आ रहा है। अगर आप इसे स्पीड ब्रेकर से थोड़ी सी टेढ़ी करके निकालेंगे तो झटके थोड़े कम लगेंगे इसके अंदर। बाकी दोस्तों गाड़ी जो है काफी बढ़िया कंडीशन में है। माइलेज वगैरह की बात करें तो ये गाड़ी पेट्रोल पे 18 तक का माइलेज निकाल देती है काफी आराम से अगर आप इसे हाईवे पे चलाते हैं। तो दोस्तों ये थी टेस्ट ड्राइव। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव करके काफी मजा आया गाड़ी की। तो भाई से अब कुछ सवाल हैं जो कि बच गए थे वो पूछ लेते हैं। तो भाई ये बताओ क्या कहते हैं सर्विस जो है इसकी कितने किलोमीटर पे करवाते हो? 5,000 किलोमीटर मोटर क्राफ्ट से करवाते हैं सिर्फ। अच्छा। और किसी से नहीं, लोकल नहीं, मोटर क्राफ्ट पे विश्वास है उसी पे करवाते हैं। अच्छा, तो मोटर क्राफ्ट से सर्विस करवाते हैं भाई और 5,000 रुपये सर्विस करवाते हैं। सर्विस कॉस्ट कितना आ जाता है एक सर्विस का? 3,000 रुपये। अच्छा 3,000 रुपये। और अभी तक टोटल 35,000 चल चुकी है गाड़ी ने, कोई दिक्कत करी है अभी तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे कितनी चलाई होगी? एक एक साइड से 2 बार हम पंजाब जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100-150 किलोमीटर चली है लगातार? बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। अच्छा, तो गाड़ी को चलने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, काफी बढ़िया चल रही है। और कुछ सवाल अगर हमसे रह गए हो तो वो भाई आपको बता देंगे अगर आप इन्हें इंस्टाग्राम कर देते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी क्या है भाई आपकी? ब्रह्मित
_NCR_VIP_of_NCR। अच्छा तो भाई ने थोड़ी ज़्यादा लंबी आईडी बना रखी है, तो हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप भाई से जो हमसे सवाल बच गए हों या फिर जो हमें पूछने चाहिए थे वो आप कमेंट कर सकते हैं, और भाई को फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे। भाई का पेज है, अपना चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों कार स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।